अनुज तुम यहाँ? शादी से पहले ऐसे नहीं आना चाहिए। क्या बात है अनुज बेटा? अरे भाई कुछ बोलो तो सही, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? किरण मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे अब ये शादी नहीं कर सकता। अनुज, अनुज तुम होश में तो हो ना? और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ किरण मैं होश में हूँ और पूरे होशो हवास में ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। अनुज तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं किरण मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है हकीकत। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ये कोई मजाक है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें यह शादी करनी होगी, समझे? बहुत हो गया मजाक, कह दो कि ये सारा मजाक था। आंटी ये मजाक नहीं है, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनो, मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या तुमने मेरी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली? हाँ और नहीं तो क्या करता, नहीं करना चाहता था तुम्हारी बेटी से मैं शादी। पर वैसे भी मेरी बीवी मेरे साथ आई है। सारिका चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खोलूं, चले जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आई तुझे मेरी जिंदगी में आग लगाती हूँ? अनुज, अनुज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। अनुज मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अनुज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अनुज अनुज प्लीज रुक जाओ। अनुज किरण, किरण, किरण कहाँ हो तुम? किरण कहाँ हो तुम? किरण संभल के। छोड़ो विवेक, संभल के। किसकी नजर लग गई इस परिवार को, सारी खुशियां एक झटके में लुट गई। बड़ी अजीब बात है, घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेहमान थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला जब इन्होंने अपने आप को फांसी लगवा ली। सर हम लोग अंदर काम कर रहे थे,
अचानक मेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज आई और हम लोग बाहर चले आए। किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी ना जाने क्यों चारों ने आत्महत्या कर ली। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों ने आत्महत्या की? सर मैं बताता हूँ, किरण बिटिया की शादी जिस लड़के के साथ होने वाली थी उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दी, बस इसी बदनामी के कारण इन लोगों ने। वैसे मना क्यों किया था, कुछ मालूम है आपको? वो किसी और लड़की से प्यार करता था और चुपके से उससे शादी भी कर ली। किरण के पापा ने ये बात आत्महत्या की चिट्ठी में लिखी थी। आत्महत्या की चिट्ठी? कहाँ है वो? शादी से मना करके हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना ब्रिजेश, ये ब्रिजेश है लड़का। एक बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, चार चार लोग अपने आप को पेड़ से लटका रहे हैं और घर में किसी को पता कैसे नहीं चलता है, है? ये जो लड़की है ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने अपने आप को पेड़ पे कैसे लटकाया होगा। पेड़ तो काफी ऊंचा है सर, और इसकी हाइट तो छोटी है। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ अभिजीत, कि कैसे कैसे इन लोगों ने अपने आप को लटकाया होगा पेड़ से। कुछ गड़बड़ है सर। हाँ, किसी और ने जबरदस्ती लटकाया इन लोगों को। बिल्कुल अभिजीत, यही हो सकता है। विवेक, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भेज दो। एक ही परिवार के चार चार लोगों की एक साथ मौत देख के वाकई बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के लाए लोग ऊपर वाले से। समझ में नहीं आता ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इस पूरे परिवार पे जो इन लोगों ने आत्महत्या करने की ठान ली। आत्महत्या नहीं, बस यहाँ पर तुम्हारे और मेरे विचारों में फर्क है। मतलब इनकी आत्महत्या के बारे में सोचना गलत है? अरे सोचो ना, सोचो, आत्महत्या हो तो सोचो, मैं कब कह रहा हूँ मत सोचो, लेकिन आत्महत्या है ही नहीं। छोटी लड़की की लाश लटकते हुए देख के हमारे दिमाग में ये ख्याल आया था कि ये इस बच्ची ने अपने आप को लटकाया कैसे होगा। ठीक सोचा था आप लोगों ने, इस आदमी को छोड़कर बाकी इन तीनों को किसी और ने लटकाया, शायद इनका खून हुआ। यार सालुंखे, अगर इनका खून हुआ तो फिर किसी न किसी की तो चिल्लाने की आवाज कोई सुन लेता। अरे आवाज को छोड़ो यार, तुम मेरे साथ आओ, ये देखो आओ। केस की गर्दन देखो जरा, ये रस्सी के निशान देख रहे हो? ये रस्सी के निशान इस तरफ से मोटे हैं पर इस तरफ के निशान पतले, इसका मतलब इसे रस्सी यहां बांध के इसे ऐसे लगता है, यहां कान के नीचे से। इससे तो यही पता चलता है कि रस्सी से लटकते ही मौत हुई। बिल्कुल, लेकिन भाई अगर किसी को रस्सी से लटकाया जाएगा तो उसकी गर्दन टूटेगी, आदमी तड़पेगा, उसका दम घुटेगा। बस बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को लटकाया और लटकते ही मर गया, लेकिन ये इसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसकी गर्दन पे कोई और निशान ही नहीं है। मतलब ये बेचारी बिना तड़पे ही मर गई। बिना तड़पे ही मर गई, मतलब सालुंखे ये होश में नहीं थी जब ये मरी? एग्जैक्टली। हाँ सर, होश में नहीं थे, पहले बेहोश हुए और फिर मर, क्योंकि इनके पेट में से हमें एक केमिकल मिला है, प्री टेट्रा क्रोमोसोर्डिनेट। ये कैसा केमिकल है? ये केमिकल शरीर में जाते ही हलचल मचा देता है, बस कुछ ही मिनटों में शरीर के मसल्स शॉक में आ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में पैरालिसिस, हाथ पैर आंख मुंह सब आउट ऑफ कंट्रोल, और थोड़ी देर में इंसान की मौत। किसने खिलाया होगा ये केमिकल इनको? बस उसने, उस किरण के डैडी ने, क्योंकि उसके पेट में हमें केमिकल नहीं मिला। मतलब सालुंखे, किरण के डैडी ने इन सबको वो केमिकल खिलाया और जब ये लोग मर गए तो इन सबको उसने पेड़ पर लटकाया और फिर खुद लटक गया। ऐसा हो सकता था, मगर ऐसा भी नहीं। मतलब ये कि इसे भी पहले मारा गया उसके बाद लटकाया। इसका मतलब सर इन चारों का खून किया गया? बिल्कुल सर, इनके पेट में से ये केमिकल तो मिला ही है,
पर साथ में हमें नींद की दवाई भी मिली। प्री टेट्राक्रोमोसोडिनेट के साथ साथ नींद की दवाई भी। किरण और उसके माँ बाप को फांसी लगाने से पहले किसी ने केमिकल दिया जिसकी वजह से वो लोग सब पैरालाइज हो गए और फिर खूनी ने बड़े आसानी से उन्हें उस पेड़ पर लटका दिया। तो आप लोग बता सकते हैं कि केमिकल उन्हें केमिकल किसने दिया? मगर उन्हें केमिकल देंगे कैसे? उन्होंने तो रात में कुछ भी नहीं खाया था, सब भूखे सो गए थे, सारे रिश्तेदार भी। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिना कुछ खाए पिए केमिकल अंदर जाएगा कैसे? सर, सोने से पहले हम सबने दूध जरूर पिया था। सबने? जी हाँ। ये हो सकता है सर, ऐसा लगता है कि दूध में ही केमिकल दिया गया था। मगर सर, दूध तो बाकी लोगों ने भी पिया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किरण और उसके परिवार वाले पैरालाइज्ड हुए थे। इसका एक ही मतलब हो सकता है विवेक, कि खूनी उस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। वो जानता था कि ज्यादा डोज देने से लोग पैरालाइज हो सकते हैं और कम डोज देने से लोगों को सिर्फ नींद ही आती है, और इसीलिए उसने रिश्तेदारों को कम डोज दिया, किरण और उसके माँ बाप को ज्यादा। जब वो लोग पैरालाइज्ड हो गए तो रात को चुपके से पेड़ में ढक दिया। और सर, लोगों को लगा कि किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या की। सर, ये काम कोई बाहर के आदमी का नहीं है, खूनी परिवार का ही कोई आदमी है। एक बात बताओ, कल रात सोने से पहले सबको दूध किसने दिया था? किसने दिया था? रामू काका ने। रामू काका? अच्छा। जी सर। रामू काका, आपने दूध पिलाया था सबको? जी सर। तो फिर सच सच बताना, दूध में केमिकल किसने मिलाया? साहब, मेरे सामने तो किसी ने नहीं मिलाया, अगर मेरे पीछे किसी ने मिलाया होगा तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ? जाने के बाद? क्या मतलब? क्या है साहब, गिलास में दूध भरने के बाद मैं अंदर चला गया था किसी काम की वजह से, तो गिलास सब बाहर ही छोड़कर चला गया था। केमिकल उसी समय मिलाया गया है सर, ये तो पक्का है कि ये काम परिवार के ही किसी आदमी का है। अभिजीत, एक काम करते हैं, घर के अंदर और घर के आसपास ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे नींद की गोलियों के पैकेट मिले मुझे, मतलब साफ है दूध में केमिकल के साथ साथ नींद की गोलियां भी मिलाई गई हैं। इसलिए रात को रिश्तेदारों की आंख नहीं खुली जब किरण और उसके परिवार वालों को फांसी पे लटकाया। विवेक, काम करो, ये बचा हुआ दूध फॉरेंसिक लैब भेज दो, देखते हैं इस बचे हुए दूध में वो केमिकल या नीम की गोलियों के ट्रेसेस हैं क्या। यस सर। साथ साथ घर के सारे रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल्स भी ले लो। हम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो हमारे खून का टेस्ट क्यों ले रहे हैं आप लोग?
देखिए, हमें शक है कि खूनी ने वो केमिकल या जहर वगैरह दूध में मिलाकर आप लोगों को पिलाया है। मगर सर, हम लोग तो ठीक हैं। हम लोगों को क्या हुआ है? हुआ है नहीं, हुआ था, समझे? घर में चार चार लोगों की मौत हो गई और सब सोते रहे। सर, आपका कहने का मतलब ये है कि खूनी ने हम सबको नींद की दवाई खिलाई थी? हो सकता है, और वही पता लगाने के लिए यहाँ पे बुलाया आप लोगों को, और कुछ नहीं। मगर अब तो खून ले लिया है ना? हाँ, ले लिया। बाकी सबके खून के बारे में पता चला है बस। क्या क्या पता चला है सर? मैं बताता हूँ क्या पता चला है। लकी हैं आप लोग, सस्ते में बच गए। खूनी ने आप लोगों को वो वाला जहर नहीं खिलाया जो उसने किरण और उसके माँ बाप और बहन को खिलाया। खूनी ने आप लोगों को सिर्फ नींद की दवाई खिलाई जिससे आप सोते रहे। मगर उसने हमें नींद की दवाई खिलाई कैसे? दूध में। उस रात तुम सब लोगों ने दूध पिया था ना? सर? हाँ। मगर सर, इस बर्तन में जो दूध मिला है उसमें नींद की दवाई है ही नहीं। दूध में नींद की दवाई है ही नहीं? नहीं सर। इसका मतलब है सर, जब ग्लासों में दूध डाला गया, खूनी ने उसके बाद हर एक ग्लास में दवाई की गोली डाली है। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, खूनी कोई आसपास का ही आदमी है जो इनके साथ था, इनके बीच में कोई रिश्तेदार। हाँ सर, और घर में इन रिश्तेदारों के अलावा और कोई है भी तो नहीं है? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है एसीपी साहब, ये सब उस अनुज का किया हुआ है, उसी की वजह से इतना मातम छाया। आप उससे पूछिए जा करके, वो ही बताएगा। ना वो ऐसा करता और ना ये लोग मरते। शादी के लिए उसने ही मना किया जिसकी वजह से ये सब मरे। अनुज, इस अनुज से मिलना पड़ेगा। पता क्या है इस अनुज का? किनसे मिले आपको? इस घर के मालिक से। अनुज का ही घर है नहीं? जी हाँ, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अनुज है घर पे? हाँ है, आइए। अनुज, सीआईडी वाले आए मिलने। हम लोग किरण के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका किसी ने खून किया। अनुज, प्लीज संभालो अपने आप को। खून किया है पर किसने? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ना ही मैं शादी का झूठा नाटक करता, ना ही मेरी किरण मुझे दूर जाती। आपने शादी करने से मना क्यों किया? मुझे अभी 3-4 साल शादी नहीं करनी थी। मैं सोचता था कि जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन तुमने तो दूसरी शादी की है ना? मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं तो बस एक झूठा नाटक कर रहा था किरण से दूर जाने के लिए। लेकिन किरण बार 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 मुझे धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? वो कह रही थी कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो अपनी जान दे देगी। तो तुमने सोचा कि तुम्हारी और इनकी शादी की बात सुनकर किरण चुप हो जाएगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? सर, मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अनुज मेरे पास आया और ये सब शादी का नाटक करने के लिए बोला। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए मैं भी तैयार हो गई। अच्छा, ये किरण या किरण के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं ऑफिसर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन हाँ, एक बार मैंने किरण को बोलते हुए सुना था कि उसके चाचा उसके पापा के साथ झगड़ा कर रहे थे किसी प्रॉपर्टी के लिए, बस इतना ही। प्रॉपर्टी के लिए चाचा जी झगड़ा कर रहे थे? कहाँ मिलेंगे ये चाचा जी? क्या हुआ सर, आपने हम सबको यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा क्यों किया हुआ है? पूछताछ करने के लिए। हमारे परिवार के लोग मारे गए और आप लोग हम ही से पूछताछ कर रहे हैं? क्योंकि खून आप लोगों में से ही किसी ने किया है। देखिए, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए हम लोगों पर। आप प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था ना? जी हाँ, हुआ था। हुआ था तो हो सकता है आप में से किसी ने
किरण और उसके परिवार का खून कर दिया। मगर झगड़ा तो 3 महीने पहले हुआ था। और खून अब हुआ है। देखिए सर, झगड़ा सिर्फ इस बात का था, जो हमारी जमीन खरीदने वाला था वो आदमी ठीक नहीं था और हम उसे बेचने के लिए मना कर रहे थे। मैं तो चाहता था जमीन अभी पड़ी रहे, सही मौका देख के बेची जाए, मगर उसने हमारी एक न सुनी और इसलिए उनका खून कर दिया। दूध में नीम की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया है ना। नीम की गोलियां? मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। पता है किसने किया होगा? किसने किया है ये? जल्दी बताइए। ये सब उस श्राप की वजह से हुआ होगा। श्राप? क्या, ये श्राप कहां से आ गया बीच में? किरण के पिता ब्रजेश एक लड़की से प्यार करते थे, मेनका नाम था उसका, मगर बाद में शादी उन्होंने किसी और लड़की से कर ली। इस सदमे को वो लड़की सह नहीं पाई और उसने और उसके पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। उन लोगों का ही श्राप लग रहा है ये। देखिए सब श्राप बाप बकवास है, समझिए आप। ये बताइए मेनका के परिवार का कोई बचा हुआ है? बताइए। वो तो पता नहीं, हमें तो सिर्फ बस इतना ही पता है कि उस वक्त सारा परिवार खत्म हो गया था। सारा परिवार खत्म हो गया था? अच्छा, इस मेनका के परिवार की पूरी जानकारी निकालो, देखते हैं चक्कर क्या है। हाँ साळुंखे, सर अगर थोड़ा सा केमिकल पेट में डाला होता तो शायद बच भी जाते, मगर इन लोगों को तो 3 गुना केमिकल दिया गया है। ओ, इसका मतलब केमिकल के पेट में जाते ही मौत हो गई लोग। बिल्कुल सर। हाँ साळुंखे, क्या पता चला? बॉस, दूध में जो केमिकल मिलाया गया था उसी की वजह से शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैरालिसिस? ये केमिकल फौरन असर करना शुरू करता है या काफी देर के बाद होता है? अगर डोज 3 गुना दिया जाए तो असर फौरन हो जाता है, मौत भी हो सकती है सर, और इन लोगों को 3 गुना दिया गया। 3 गुना डोज दिया गया? कहां से मिला होगा ये केमिकल खूनी को? बस इस केमिकल के बारे में हर कोई तो नहीं जानता होगा, जरूर इस केमिकल के बारे में वही आदमी जानकारी रखता है जो किसी केमिकल लैब में काम करता है। शायद ये खूनी भी किसी केमिकल लैब में काम करता है। हो सकता दया, या तो खूनी काम करता होगा या खूनी का कोई जान पहचान वाला। दया, मालूम है मुझे, मालूम है कौन है वो जो केमिकल लैब में काम करता है। अरे कौन है बाहर? रुको जरा, आ रही हूं मैं। क्या बात है, इतनी जोर से घंटी क्यों बजा रहे हो? बहरे नहीं हम लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ है? खून। खून? जी हाँ, 4-4 खून हुए। मैंने कोई खून नहीं किया है। क्या हुआ वंदना, क्या बात है? कि देखिए ना, कुछ लोग आए हैं सीआईडी से। सीआईडी से? जी आप देखिए, आप लोग घबराइए मत, हमें मालूम है कि खून आपने नहीं किया, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी? क्या जानकारी चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए कि ये घर आपका ही है? और हमारा नहीं तो किसका है, हमने खरीदा है अपनी मेहनत के पैसों से। वो ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इस घर में आपसे पहले रहता कौन था? नहीं साहब, ये हमें मालूम नहीं है। जिससे घर खरीदा उसे नहीं जानते? जिससे घर खरीदा है उसे जानती हूँ मैं। तो किससे खरीदा है घर? इस घर के पड़ोसी थे। पड़ोसी ने घर बेचा? हाँ सर, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है, इस घर के लोगों में और पड़ोसियों में बहुत प्यार था आपस में, इस घर को बेचने की पूरी जिम्मेदारी पड़ोसियों पर ही थी। अच्छा, ये पड़ोसी अभी भी रहते हैं यहाँ पे? नहीं सर, वो भी घर बेचकर चले गए। ये पड़ोसी कहाँ गए कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो अपना पता छोड़ के गए। क्या पता है उनका? सुरेंद्र नगर प्लॉट नंबर 171। सुरेंद्र नगर प्लॉट नंबर 171। सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं, ये बात सच है कि मैं एक लैब में काम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैंने उन्हें जहरीला केमिकल खिला दिया। तो आप ही बता दीजिए किसने दिया जहर? सर मुझे क्या मालूम, किरण किसी भी हालत में अनुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे चुप कराने के लिए तुम लोगों ने पूरे परिवार को ही मार दिया। ये झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जहर तुमने नहीं खिलाया उन्हें, मगर ये हो सकता है कि किसी और ने वो जहर तुमसे लिया। हाँ,
और उसने खिला दिया उन्हें? नहीं सर, मुझसे किसी ने कोई जहरीला केमिकल नहीं लिया। सोच लो सारिका जी, चार चार लोगों का खून हुआ है इस केमिकल की वजह से। मैं बार बार यही कहूंगी ऑफिसर कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब अनुज किरण के घर गया था ये कहने के लिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, उस वक्त तुम कहाँ पे? सर उस वक्त मैं अनुज के साथ ही थी, किरण के घर पे। और उसके बाद? उसके बाद कहाँ गई थी? वहाँ से जाने के बाद मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में चली गई थी। सच बोल रही हो? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जरा तुम्हारे उस दोस्त का फोन नंबर देना, अभी फोन करके पता करते हैं कि तुम उसके यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी या जहर लाने। जी कहिए, क्या काम? हम लोग सीआईडी से। आप मेनका को जानती होंगी ना? मेनका? कौन मेनका? वही मेनका जिनके पड़ोस में आप रहती थी। अच्छा अच्छा, वो मेनका जी। आइए अंदर आइए। हाँ याद आया, मगर वो तो काफी साल पहले मर गई थी ना। अच्छा, उसके परिवार में और कोई आदमी है? उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, पर माँ बता रही थी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनके परिवार वालों की मौत हो गई थी। अच्छा, आपकी माँ ने आपको कुछ और बताया कि उनकी मौत हुई कैसे? नहीं सर, मम्मी ने कभी नहीं बताया, और उस वक्त मैं भी काफी छोटी थी इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। देखिए, अच्छी तरह से याद करके बताइए। चार चार खून हुए हैं इसलिए खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। चार चार खून? जी हाँ। एक बात मुझे याद है जो मैं आज तक नहीं भूली। ऐसी क्या बात है जो आप अभी तक नहीं भूली? मेनका और मेनका के परिवार वालों की मौत के बाद उसका चाचा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं एक न एक दिन बदला लेके रहूंगा। ये तो मालूम हुआ आपको कि वो रहता कहाँ है? वो मेनका के बगल वाले घर में ही रहता है, और सुना है उसने आज तक शादी भी नहीं की। चलो चल के पता करते हैं इस मेनका के चाचा ने शादी क्यों नहीं। लगता है घर में कोई नहीं है। ऐसा ही लगता है। क्या किया फ्रेडी? लॉक उड़ा दिया। फ्रेडी, दरवाजा खोलने के और भी तरीके हैं। हाँ। लगता है काफी दिनों से कोई रहता नहीं यहाँ पे। फ्रेडी, सारे घर में धूल जमा पड़ी है। देखो, मेनका के चाचा के बारे में कोई सबूत मिलता है क्या? ये फोटो मिले हैं परिवार के, लगते शायद मेनका के चाचा का परिवार है। नहीं फ्रेडी, ये मेनका के चाचा का परिवार नहीं हो सकता। याद है तुम्हें मेनका के पड़ोसी की बेटी ने क्या कहा था कि मेनका के चाचा ने शादी नहीं की थी? तो फिर ये फोटो है किसके? लगता है ये मेनका का परिवार है। मगर किसी ने हमें इस बच्चे के बारे में नहीं बताया, ये बच्चा कौन हो सकता है? कहीं ये मेनका का कोई भाई या इसकी बहन तो नहीं? हो सकता है। अब आगे की कहानी मेनका का चाचा ही बता सकता है। लेकिन इस मेनका के चाचा के बारे में पता कैसे चलेगा? इसकी तो शक्ल तक नहीं देखी हमने। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? फ्रेडी, भले ही घर ये काफी समय से बंद हो लेकिन मेनका का चाचा अभी भी यहां आता है। वो किसे? तो पाइप एकदम नया है।
अगर ये घर काफी समय से बंद था तो नया पाइप किसने लगवाया? इसका मतलब साफ है, मेनका का चाचा यहां पे आया था। ये देखो, यहां पे दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है, दुकानदार से पूछ सकते हैं। ELS ये रही पड़ी और दुकान, ELS Sons का बोर्ड भी लगा हुआ है। बिना आदमी की दुकान चलती हुई देखी कभी? नहीं देखी है तो देख लो। नहीं फ्रेडी, ये अंदर गया होगा। काउंटर के नीचे छुप के तो नहीं बैठा है? अरे अरे, ये क्या चक्कर है? क्या इरादा है आप लोग का? कुछ नहीं बस। अरे कुछ नहीं तो फिर काउंटर के नीचे क्या देख रहे थे? भाई साहब, आपको ही ढूंढ रहे थे हम। कहाँ चले गए थे आप? बाथरूम गया था, लड़के लोग है नहीं, ऑर्डर पे गए, अकेला ही हूँ। बताइए क्या काम है? देखिए, हम लोग CID से, कुछ दिन पहले आपने इसी तरह का नल और एक पाइप एक घर में लगाया। घर का नंबर है S34, मिलाड़ा गली में। मिलाड़ा गली इतना तो याद नहीं है सर, लेकिन बिल बुक देख के बताता हूँ मैं। मिलाड़ा गली। हाँ सर, ये ऑर्डर तो 10 दिन पहले बुक हुआ था सर। उस आदमी को पहचानते हो जिसने ये ऑर्डर दिया था? हाँ सर, बहुत खड़ूस आदमी था, बहुत जल्दी में था, बार बार हल्ला कर रहा था कि जल्दी करो, पाइप लगवाना है, नल लगवाना है, जल्दी करो सर। उसे देखोगे तो पहचान तो लोगे ना? देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा सर। तो चलो मैं सर, तो चलिए सर। ध्यान से, किसी दूसरे आदमी की तरफ उंगली मत उठाना, समझे? उस आदमी का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ सर? इतना बवाल किया था उसने पाइप खरीदने में, आसपास के सारे दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया था। पर हंगामा किया ही क्यों उसने? मैडम, वो पाइप लगाने में देरी हो रही थी इसलिए। अच्छा, अब देखो, इतने सारे लोग है वहाँ पर, है ध्यान से देखो और बताओ कौन है वो जिसने पाइप का ऑर्डर दिया था? इनमें से तो कोई नहीं था सर। देखो, घबराओ मत, थोड़ा आगे आगे चलो, वहां से पहचानो। आओ, अरे पूरा परिवार यहां पर है, अब तो बता सकते हो कौन था? यही है वो आदमी, यही है, यही है। पक्का? हाँ साहब, यही है, एकदम पक्का। यही खून है सर? कुछ पता चला? पता तो चलने वाला ही था, लेकिन खूनी हमारी आंखों में मिर्ची फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमा नहीं मामला उसे। कौन है खूनी? कम से कम उसका नाम तो बताइए। बताते, नाम भी बताते। मेरा बस चले ना तो इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूं। पूरा परिवार उजाड़ दिया उसने मेरे भाई का। हम आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संभालिए अपने आप को। मेरे भाई ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद की है, फिर न जाने किस बात का बदला लिया है उसने मेरे भाई से। देवता जैसे मालिक को भला कौन मार सकता है, किस बात का उनसे बदला ले सकता है? वही तो, देवता जैसे मालिक थे ना तुम्हारे जी। बहुत अच्छे थे बेचारे, बहुत अच्छे थे, किसी को कोई दुख भी नहीं देते थे, है ना? कभी कभी नहीं। बहुत अच्छे थे मालिक तुम्हारे,
किसी को दुख भी नहीं देते थे तो फिर क्यों मारा जी? किसी ने क्यों मारा? लेकिन साहब, अब ये मैं कैसे बता सकता हूं कि उनका खून क्यों किया गया? खूनी को तो हमने ढूंढ निकाला है, अब तुम ये बताओ कि ये खून किया क्यों तुमने? मैंने? हाँ, तुमने। लेकिन साहब, मैं क्यों करूंगा किसी का खून? किरण बिटिया तो मेरी बेटी जैसी थी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे साहब। और उसी प्यार की आड़ में तुमने सबका खून कर दिया, सबका। क्यों? साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। 4 साल हो गए मुझे यहां काम करते हुए, आज तक किसी को मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया साहब। इनके परिवार को मैंने अपना परिवार समझता हूं साहब। अब चाहे तो इन लोगों को पूछ लीजिए साहब, पूछ लीजिए इन लोगों को। रामू काका, सच कह रहे हैं ऑफिसर, भैया भाभी इनको बहुत मानते थे। मगर ये रामू काका तो नहीं मानते थे ना? सर, आप लोगों से कोई गलती हुई है, रामू काका ऐसा नहीं कर सकते सर। अरे रामू काका, ये रामू काका तो अस्तीन का सांप, अस्तीन का सांप, इसे चेहरे पर मत जाना, समझे? रामू काका अभी दिखाते हैं। विवेक, ये आपके रामू काका बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही नजर आते हैं। देखो इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे दुकान में पाइप का ऑर्डर दिया था। हाँ साहब, यही है वो आदमी, हम लोगों ने खुद इसके यहाँ नलो पाइप लगाया था। आप किस पाइप की बात कर रहे हैं भाई? ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता साहब। अरे कमाल है रामू काका, जिस आदमी ने तुम्हारे घर में नल और पाइप लगा दिया उस आदमी को आप पहचानते ही नहीं? मगर रामू काका तो कहते हैं उनका ना तो कोई घर है ना ही कोई सगा संबंधी। झूठ बोल रहे हैं ये। रामू काका, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बताइए रामू काका जी, बताइए, सब लोग सच सुनना चाहते हैं, बताइए। हाँ, मैंने ही मार डाला किरण बिटिया और उसके परिवार को। मेनका और उसके परिवार का बदला लेने के लिए, है ना? हाँ, इनके भाई की वजह से मेरा भाई और उनका परिवार मौत की नींद सो गया। उन लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था साहब। और कौन था तुम्हारे साथ, बताओ? कोई नहीं, मैंने अकेले ही मारा है सबको, अकेले ही मारा है सबको मैंने। नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले इतने सारे लोगों को रस्सी पे नहीं लटका सकते, जरूर कोई ना कोई तो था तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, मैं अकेला ही था। रामू काका, अब जल्दी से बताओ कौन था तुम्हारे साथ? ये तो गोली से उड़ा दूंगा, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप, गोली मार देंगे क्या इन्हें? देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ बताओ। बताओ, मैं 5 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4। रामू काका, अब तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो सर मुझे? कहाँ? लेकिन सर, सर हमें लगता है रामू काका ने खून किया ही नहीं है, वो तो डर की वजह से हाँ कह रहे हैं। अब जल्दी पता चल जाएगा। रामू काका, पिछले 4 साल से तुम्हारे यहाँ ये आदमी काम कर रहा है, मगर किसी को पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो सर? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलंदर। सर, Thank you.
रामू काका। निकल बाहर, बाहर निकलने तो गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं साहब, मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब। बाहर निकल, नहीं तो खोपड़ी में छेद बना दूंगा। निकल बाहर, निकल निकल चल, निकल मुझे छोड़ दो। निकल, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब, मैं बोला था। मैं कोई गुनाह, बता बता कौन था तुम्हारे साथ में? कोई नहीं था मेरे साथ। कौन था तुम्हारे साथ में? मैं अकेला ही था, मैं अकेला था साहब, मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। अकेले मैंने बताया आपको, बताओ तुम्हारा हाथ बताओ। लाइफलाइन तो खत्म हो गई। भागो यार, भागो। या मच्छर मत जलना, भाग भाग। मैं भागूंगा तो आप मुझे मार डालोगे सर। मैं नहीं भागूंगा, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, यहाँ तो दूल्हा खुद खूनी निकला सर। बहुत छुप लिया तू। हाँ मैं ही हूँ खून, मैंने ही मारा है किरण के पूरे परिवार को। ऐसे बात कर रहा है जैसे बहुत बहादुरी का काम किया है इसने। मैंने सिर्फ उनके कारनामों की सजा दी है। किन कारनामों की बात कर रहे हो तुम? मैं मेनका का भाई हूँ। किरण के पापा मेरी बहन मेनका से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने मना कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अगर तुमने अपनी बहन माँ बाप की मौत का बदला लिया है तो ये रामू काका कहाँ से बीच में आ गए? रामू काका मेरे सगे चाचा, बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन 5 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरे दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो अब जाकर ठंडी हुई। वाह रे वाह चाचा भतीजे की जोड़ी, तो इस सारा प्लान तुम दोनों का था? हाँ, मैंने ही वो केमिकल सारिका की लैब से चुराया था, और चाचा ने केमिकल और नींद की दवा दूध में मिला दी। बाकी सब लोगों ने तो दूध पी लिया, मगर मगर किरण के पापा ने पूरा दूध नहीं पिया। तुम दोनों की बदले की आग ने 4 मासूम लोगों की जाने ली, अब जेल में बैठकर अपनी ही फांसी की रस्सी बुनते बैठना। बेटा याद है हम लोग ऐसे एक शिमला में रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और वहां पे एक ऐसी पति पत्नी बैठे हुए थे। कैसे बातें कर रहे थे एक दूसरे से। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हंसो या रो। मैं भी गिर गई थी चेयर से। क्या हुआ दीपक? पता नहीं यार, अचानक गले में दर्द सा उठ रहा है। क्या हो रहा है गले में? कैसा दर्द हो रहा है? दीपक, दीपक, क्या हुआ? कोई है? प्लीज हेल्प, मैनेजर, मैनेजर, प्लीज समबडी हेल्प, प्लीज हेल्प। दीपक क्या हो रहा है? दीपक क्या हुआ मैडम? यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर है? ये तो मुझे मालूम है। क्या इन्हें पहले से कोई बीमारी है? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, सर और मैडम सूप पीते हुए बातें कर रहे थे, तभी अचानक जब मैं उधर से आया तो देखा
सर नीचे गिरे हुए और मैडम चिल्ला रही है। फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इनकी मौत हो गई थी। यहाँ बैठ कर सूप पी रहे जी? कुछ उल्टा सुलटा तो नहीं खिलाया? सर ऐसा क्यों करेंगे सर, ऐसा करने से तो हम खुद फंस जाएंगे और हमारे रेस्टोरेंट में कौन आएगा ऐसे? तो अभी पता चल जाएगा जब हमारे फोरेंसिक सर्जन आएंगे, समझे? सर आप तो खामा का हम पर शक कर रहे हैं। खामा का शक नहीं कर रहा हूँ, इस आदमी की मौत हुई है तुम्हारे होटल में खाना खाते हुए, समझे? मैं कह चुका हूँ ये खाना नहीं, सूप पी रहे थे। हाँ सूप ही सही, मगर यहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही खा रहे थे ना, क्यों? उन्होंने जो सूप पिया था वो इन्होंने भी पिया था सर, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैडम ने भी वही सूप पिया? जी। देखते हैं। देखिए संभालिए अपने आप को। क्या क्या हुआ था यहाँ पर बताइए जरा। हम लोग तो यहाँ पर सूप पीते पीते हंसी मजाक कर रहे थे और फिर सडनली दीपक के गले में खराश होने लगी। एक मिनट एक मिनट, क्या कहा आपने? दीपक के गले में खराश हो रही थी? जी। फिर? और फिर उसके बाद दीपक का दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी। गले में खराश हो गई और फिर दम घुटने लगा, फिर? और सडनली दीपक यहाँ पे गिर गया और उनकी मौत हो गई। क्या हुआ कविता जी, क्या हुआ कविता? कविता क्या हुआ, क्या हो रहा कविता? कविता सर, सर इसकी धड़कनें तो बंद हो गई हैं। अरे ऐसा अचानक? अब अरे ये क्या यार सालुंखे? एक के बदले दो दो मौतें हुई है यहाँ पर। दो? यहाँ पहले ये और फिर ये मैडम अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मेरे साथ बातें कर रही थी, गिर गई। अच्छा? सूप पी रहे थे यहाँ इस टेबल पर बैठ के। मैं चेक करता हूँ। हाँ देखो तुम्हें लगता है सूप में कुछ था? बिल्कुल, सूप में जरूर कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि मरने से पहले इसके गले में खराश होगी और फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही, फिर इसकी मौत हो गई। और ये मैडम मेरे सामने अपना पेट पकड़कर गिर गई, ऐसे पेट पकड़ रही थी जैसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। बस तुम्हारा शक सही है, शायद इनकी मौत जहर की वजह से ही हुई। जहर? सुन लिया? जहर? हाँ जहर। सर हम अपने खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? एक मिनट, सूप पी रहा था ना ये? जी। वो सूप फेंक तो नहीं दिया तुमने? नहीं हमने हाथ भी नहीं लगाया, यहीं पर रखा हुआ। अच्छा किया, मैं चेक करता हूँ। सब जहर आप पीछे हट गया। ये सुनता ना? ये देखो बॉस, सूप में 100% जहर है। क्यों सर यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो भी यही खाना खा रहे हैं, लेकिन इनमें से तो किसी को कुछ नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल करो और टेबल पे जितना भी खाने पीने का सामान पड़ा है हटाओ यहाँ से, उससे पहले कि किसी और की मौत हो जाए। सचिन
रेस्टोरेंट का जितना भी स्टाफ है सबको एक जगह इकट्ठा करो और रेस्टोरेंट से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। तुम्हारा किचन कहाँ है? आइए। चलिए प्लीज एक मिनट, सब काम छोड़ दीजिए, सब खाना छोड़ो और इस तरफ एक तरफ आ जाओ। आइए आइए आइए, चलिए जल्दी प्लीज, चलिए चलिए। सलूंखे लग जा काम। विवेक संभाल के ले आना स्ट्रेचर के पास। संभाल के संभाल के, आराम से संभाल के। बॉस इनमें तो किसी ने भी जहर नहीं। किसी ने भी नहीं? वो तो वही सूप है ना? हाँ। तो इसमें? इसमें भी जहर नहीं है, सूप तो वही है लेकिन जहर नहीं। इसमें भी जहर नहीं है ना? अच्छा, ये यहाँ पर सूप कौन बनाता है? सर मैं बनाता हूँ। तो यहाँ ही बताओ ये सूप किसने बनाया था? सर मैंने बनाया था, ये 6-7 लोगों के लिए सूप एक साथ मैं बनाता हूँ सर। अच्छा, और सूप किचन से कस्टमर के टेबल तक कौन लेके जाता है? वेटर ही लेके जाता है ना? जी जी। कौन लेकर गया था ये सूप? मैनेजर साहब? सर मेरे ख्याल से हरपेश। हरपेश? आप में से हरपेश कौन है? मैं हूँ हरपेश। तुमने वो सूप लाया था? जी सर। और उसमें जहर भी मिलाया? नहीं सर। चुप, सच सच बताओ, सच सच बताओ वरना। सर सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जहर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सूप तो तुम ही लेके आए थे ना? सर ये काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। चुप रहो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। फिर कहाँ से आया था? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। लेकिन अगर किचन से तुम सूप लेके आए तो बीच में किसी से मिले थे तुम या किसी कारण से किसी और को सूप दिया तुमने? जब मैं सूप लेने किचन में गया तो वहाँ पर शेफ नहीं था, मैंने खुद ही बाउल में सूप डाल लिया। अच्छा ठीक है, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो किचन से यहाँ तक आते समय तुम किसी से मिले थे या टकराए थे, याद करो। सर हाँ सर, सर रास्ते में एक आदमी से टकराया था मैं। टकराए थे? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके ऊपर सूप गिर गया था सर। हाँ तो? सर मैं पास के टेबल पर सूप रख के नैपकिन लेने के लिए अंदर भागा, पर जब तक वापस आया तब तक वो आदमी जा चुका था। जानते हो उस आदमी को? नहीं सर। चेहरा याद है तुम्हें? नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। सर अगर वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आया था तो शायद उसने यहाँ पे खाना खाया होगा, और अगर उसने खाना खाया होगा तो उस खाने का बिल जरूर बना होगा। अच्छा आपके पास खाने के बिल की दूसरी कॉपी तो होगी ना? जी सर। तो बिल की सारी कॉपीज हमें चाहिए, समझे? ओके सर। सचिन दीपक की बॉडी पर से कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला? क्यों क्या करता है, कौन है, है? हाँ सर, ये दीपक का ड्राइविंग लाइसेंस है। काजल दीपक और कविता के सेलफोन पर जो फोन आए थे और जो फोन उन्होंने किए उन सब की लिस्ट बनाओ, इस दीपक के घर जाकर देखना चाहिए। जी कहिए। नौकर ने बताया कि आप लोग सीआईडी से? जी हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? देखिए हम दीपक और कविता के बारे में आपसे बात करने आए हैं। भैया भाभी? पर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता है आपकी भैया भाभी घर पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। आप हितेश? हितेश दीपक के भाई हो ना? जी क्या बात है सर? देखो हितेश, तुम्हारी भैया भाभी की, मेरा मतलब है दीपक और कविता की मौत हो गई है। क्या? भैया और भाभी? ये नहीं हो सकता सर। देखिए संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये सब कैसे हो गए सर? किसी ने उन दोनों को रेस्टोरेंट में जहर दे दिया। रेस्टोरेंट में? लेकिन उनको जहर कौन देगा सर? क्या एक बात बता सकते हो, तुम्हारे भैया भाभी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, भैया तो अपने काम काज में लगे रहते थे और
भाभी इतनी प्यारी थी भाभी, कोई उनका दुश्मन क्यों होगा? अच्छा क्या उन दोनों को कोई परेशानी थी? ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सर कुछ दिन पहले ऑफिस के बाहर पार्किंग लॉट पर भैया फिसल कर गिर गए थे और उनके सर पर चोट आई थी। अरे थे जब हमें तुम्हारे भैया की लाश मिली तो उसके सिर पर कोई भी चोट नहीं थी। जरा सी चोट थी सर, अब तक तो भर गई होती। हाँ, I'm sorry. देखो अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मदद लगे तो हमें फोन कर देना। जी सर। रेस्टोरेंट में सूप लेकर आने वाले वेटर से जो आदमी टकराया था उसी ने उस सूप में जहर मिलाया है, क्योंकि ये सब करने के लिए सिर्फ उसी आदमी को मौका था। ओके थैंक्स सर। सर जिन जिन लोगों ने रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी उनमें दीपक की वाइफ कविता का नाम भी है सर। क्या कविता का भी नाम है? अरे लेकिन कविता की मौत तो बिल पेमेंट करने से पहले ही हो गई थी, फिर कैसा बिल पे किया उसने और किसके लिए? सचिन देखो जरा बिल में, देखो किस चीज के पैसे भरे थे कविता ने। सर ये सैंडविच और जूस के। क्या सैंडविच और जूस? लेकिन सर दीपक और कविता ने सिर्फ सूप ही पिया था, अगर कविता को बिल देना ही था तो वो सूप का देती, किसी और का खाया हुआ सैंडविच और जूस का बिल वो क्या देती सर? वही तो किसी और ने खाए हुए चीजों के पैसे कविता ने क्यों भरे? सर हो सकता है वहां पे कोई और ऐसा आदमी था जिसे कविता जानती थी। बिल्कुल सर। हाँ क्या पता चला? सर मरने से थोड़ी देर पहले कविता को एक फोन आया था। फोन आया था? कहां से, किसका फोन था, कुछ पता लगा है तुमने? हाँ सर, जिस नंबर से फोन आया था वो फोन बंद है। जिस नंबर से कविता को फोन आया था वो फोन बंद है? फोन बंद है, हमें फिर से उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। एक बात बताओ, जब दीपक और कविता इस टेबल पर बैठी थी तो क्या बीच में उन दोनों में से कोई टेबल छोड़कर कहीं गया था? देखा आप लोगों ने कुछ? सर जब मैं सूप देने आया तब मैडम का फोन आया था उसी समय। कविता मैडम को फोन आया था? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर वो फोन पर बात करने के लिए उठकर थोड़ी आगे चली गई। फोन पर बात करने के लिए आगे चली गई? तो तुमने कुछ सुना? कुछ सुना फोन पर, क्या बातें हो रही थी, कानों पर कुछ पड़ा तुम्हारे? नहीं सर, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। ढूंढ रही है? जी सर। क्या ढूंढ रही है? सचिन पता चल जाएगा किसको ढूंढ रही थी, लेकिन एक बात है, कविता जब फोन पर बात करते करते आगे निकल गई तभी उसी दौरान कविता ने उस आदमी का भी बिल भर दिया, उस आदमी का जिसके साथ ये वेटर टकराया था। अब जल्दी से जल्दी पता लगाओ कविता को आखिरी फोन किसका आया था, किसका फोन है? आसारुंके। क्या ये क्या नया चक्कर है? दीपक की खोपड़ी का एक्सरे देखने के लिए तूने मुझे बुलाया? दास, मैंने इसकी बॉडी का स्कैन किया। हाँ। मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाला। देखो क्या मिला। माय गॉड सालुंखे, यार अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि दीपक की मौत जहर से मरा है। हाँ? लेकिन ये देखो बॉस, खोपड़ी में तो गोली अटकी हुई है। हाँ मगर सालुंखे रेस्टोरेंट में तो कोई गोली चला ही नहीं सकता इस पर, वहां पर इतने सारे लोग थे और फिर कितना सारा खून भी बह जाता है। हाँ सर, अगर ऐसा हुआ होता तो वहां तो हंगामा हो जाता। एक बात और बॉस, ये गोली इसकी खोपड़ी में काफी समय से, काफी टाइम से इसकी खोपड़ी में अटक गई है गोली और उसे निकालने की कोशिश भी नहीं की। पहली बार इस तरह का केस सुना मैंने कि आदमी की खोपड़ी में गोली है और वो गोली लिए इधर उधर घूम रहा है। वही तो, इसीलिए दीपक की मौत हो गई, अगर ये गोली निकलवा लेता तो शायद ये बच जाता। देखो बॉस, गोली इसकी खोपड़ी में काफी समय से थी और जैसे जैसे सर के जख्म भरते गए गोली
सर के अंदर और गहरे जाती गई। उस दिन जब ये उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सूप पी रहा था, इसकी खोपड़ी में फंसी हुई गोली एक नस पे जाकर के टकरा, नस फट गई और अचानक इसकी मौत हुई। संकेत, तुम्हारे कहने का मतलब है कि दीपक की मौत गोली लगने से हुई? हाँ। और फिर वो जहर? जहर था, दोनों सूप में जहर था, लेकिन बॉस जहर से सिर्फ कविता की मौत हुई है, दीपक की मौत इस गोली से हुई। सो हितेश ने हमें बताया था कि एक दिन अचानक दीपक अपने ऑफिस के बाहर फिसलकर गिर गया था। हो सकता है सर उसी समय किसी ने गोली मारी हो उसे। हाँ, हो सकता है। बेचारा कितना तड़पा होगा जब इसे गोली लगी। अच्छा होता कि ये जहर के असर से ही मर जाता। सर, सर मैंने दो बार चेक किया, टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। कविता के सूप से मिला जहर और दीपक के सूप से मिला जहर, दोनों जहर अलग अलग है। अलग अलग है? दोनों जहर अलग अलग? दीपक और कविता को अलग अलग जहर दिया गया? ये तो कमाल है सर। जहर भरा सूप पिया दोनों ने, लेकिन जहर से मौत हुई सिर्फ कविता की और दीपक गोली लगने से मर गया। कोई तो है सर जो पति पत्नी दोनों को खत्म करना चाहता था। सर पता चल गया है, कविता को वो फोन अंधेरी ईस्ट की एक जगह से किया गया था। अंधेरी ईस्ट की एक जगह से आया? या काम करो विवेक, तुम और दया उस पते पर जाओ और देखो, तब तक हम इस गोली के बारे में पता लगाते हैं। तो लगता है ये ऑफिस दीपक का ही है सर। वॉचमैन से पूछ। इधर आइए भाई साहब। जी साहब। ये बताइए कि ये ऑफिस दीपक साहब का ही है ना? हाँ साहब, बहुत अच्छे आदमी थे साहब। कुछ दिन पहले उनके सर में चोट आई थी, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? हाँ साहब। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन साहब दीपक साहब वहाँ कार पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने जा रहे थे कि अचानक फिसल कर गिर गए और उनके सर में चोट आई सर। वहाँ पर पार्किंग लॉट में जब वो अपनी गाड़ी लेने गए? अच्छा ये बताओ, जब ये सब हुआ तब उनके साथ कोई था? उस वक्त साहब वहाँ और कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? तो दीपक साहब दर्द के मारे तड़प रहे थे, मैं भाग कर गया उनकी मदद के लिए, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठ चुके थे और फिर निकल गए। उसी हालत में वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए? जी साहब। साहब मैडम आ गए। मैडम ये लोग दीपक साहब के बारे में पूछताछ कर रही है। जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। और आप? मैं स्वाति, दीपक सर की सेक्रेटरी। ओ, तो आप दीपक की सेक्रेटरी हैं? प्रदीप जरा वॉचमैन को। देखिए स्वाति, शायद आपको पता नहीं होगा मगर दीपक और कविता दोनों का खून हुआ है। क्या? खून? जी हाँ, खून, खून हुआ है। खून हुआ है? संभालो अपने आप को स्वाति। दीपक और कविता के खून तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करो। मुझे क्या पूछना है? स्वाति जी ये बताइए, क्या बिजनेस को लेकर दीपक की किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, कुछ जानती हो तुम उसके बारे में? ये कोई बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी। बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी तो फिर क्या था? मैं जानती हूँ ये किसने किया है, मैं जानती हूँ उस आदमी को। कौन कौन है वो, किसने किया है? वो कविता मैडम का भाई मानिक है, ये उसी का काम हो सकता है। कविता का भाई मानिक? इस मानिक ने ये खून करवाया है? हाँ, मानिक ने दीपक सर से बहुत सारे पैसे मांगे थे पर दीपक सर ने साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर उनके बहुत झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि मानिक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। तो घूम फिर के ये सारा मामला पैसों का ही है। सर, कविता के भाई मानिक की दीपक के साथ लड़ाई हुई थी तो फिर दीपक के भाई हितेश ने हमें एक बार भी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये तो हितेश ही बता सकता है। स्वाति को छोड़ कर आओ। यस सर। आइए आप। सचिन, ये दीपक पार्किंग लॉट में फिसल कर गिरा था ना, पार्किंग लॉट चलकर देखते हैं। सचिन, इस पार्किंग लॉट को अच्छी तरह से देखो,
एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच को सूंघो, हैं? अच्छी तरह से देखो, जाओ फैल जाओ। सचिन, ये सर, जल्दी आओ। ये देखो, ये खून देखो सचिन। सर, ये तो सूखा हुआ है। सूखा हुआ खून। तो इसका मतलब है कि दीपक को वाकई गोली यहीं मारी गई है। पर कहां से? काम करो, ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक इंच को सूंघो, फिर से कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा अगर दीपक को गोली यहां पर मारी है। ढूंढो अच्छी तरह से। सर। हाँ फ्रेडी। यहां ही है सर। क्या? ये देखिए सर, ये निशान देखिए। क्या क्या हो सकता है? एक मिनट, अगर अगर ये खून दीपक का है तो फिर ये निशान भी दीपक के लिए ही बनवाया गया, दीपक के लिए ही। तो मतलब सर? काजल, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि खूनी जानता था कि दीपक यहीं पर खड़ा होगा, यहीं पर। पर कहां से चलाई होगी गोली उसने अगर दीपक वहां पर खड़ा था? बिल्कुल वैसा ही निशान जैसे वहां पर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सचिन, ये देखो, ये वैसा ही निशान जैसा उस पिलर पे है। ये निशान खूनी का है। रेडी? हाँ सर। जरा पीछे होके खड़े हो जाओ। ये सर, बिल्कुल ऐसे समझो कि तुम अपनी गाड़ी के पास में खड़े हो। ऐसा खड़ा रहूं? हाँ, दरवाजे के पास। ओके सर। खूनी ने गोली यहां से चलाई है, इसका मतलब एक ही है कि दीपक की गाड़ी यहां इस पार्किंग लॉट में खड़ी होती थी हर रोज, और यहां पर खड़ा होता था वो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए और गाड़ी से बाहर आने के लिए, और ये बात खूनी जानता था। हाँ अभी सर, इस तरफ। ठीक है, मिल गया, पहुंचिए। थैंक्स। सब हो रहा सर, पहले माले पे तीसरा दरवाजा। कविता को जिस नंबर से फोन आया था रेस्टोरेंट में, वही है सर। फोन पे बात करने के बाद फौरन कविता की मौत हो गई थी। हो सकता है शायद वो फोन किसी जरूरी काम से किया गया होगा। तो यही वो घर है। तो खाली लग रहा है, तो देखो अंदर। यस सर। Thank you.
सर आवे चलो। ये देखिए सर, दीपक की फोटो छुपा के रखी। दीपक की फोटो यहां पे, पीछे दीपक का एड्रेस भी लिखा हुआ है। सर खून दीपक और कविता दोनों का हुआ है, लेकिन सिर्फ दीपक की फोटो यहाँ पे छुपा के क्यों रखी है? तो समझ में नहीं आ रहा। कविता ने मरने से पहले जिस आदमी से फोन पे बात की थी, उस आदमी के घर पे इस दीपक का फोटो छुपा के रखा हुआ है। जरा ढूंढो कुछ और निकाल। ये देखो, ये बोर्ड पे खाना डिलाइट लिखा हुआ है। खाना डिलाइट तो उसी रेस्टोरेंट का नाम है जहां पे दीपक और कविता खाना खा रहे थे। मतलब साफ है, मरने से पहले कविता ने इस आदमी को वहां उस रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा होगा। हाँ सर, मगर क्यों? कविता जी ने मुझे दिए थे 1,00,000 रुपए दीपक को मारने के लिए। अच्छा, तो तुमने दीपक को उसके ऑफिस के बाहर गोली मारी है? हाँ, मगर दीपक मरा नहीं। गोली से नहीं मरा तो तुमने उसके सूप में जहर डाल दिया। हाँ? पर कविता, उसने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना, उसे क्यों मारा तुमने? क्या कविता जी मर गई? हाँ, कविता जी मर गई, उनके सूप में भी जहर डाला था तुमने। लेकिन साहब, मैंने तो एक ही बॉल में जहर डाला था। बड़ा भोला है बेचारा सर, सामने दो दो बॉल पड़े थे मगर इसने एक ही बॉल में जहर मिलाया। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम था कि दीपक उसी बॉल में सूप पीने वाला था? हाँ, कविता भी तो थी वहां पे। साहब मैंने उसी वक्त कविता जी को फोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने किस वाले बॉल में जहर डाला है। फ्रेडी ले जाओ सर। नहीं साहब, मैंने कविता जी को नहीं मारा है साहब। साहब मेरी बात करो साहब, मेरा विश्वास करो साहब। फिर ये तो कह रहा था कि इसने एक ही बॉल में जहर मिलाया, तो फिर कविता को जहर किसने दिया? वही तो, कविता को जहर किसने दिया? दोनों बॉल में जहर था मगर अलग अलग जहर, और कविता दीपक को मारना चाहती थी, तो फिर कविता को कौन मारना चाहता था? आपने मुझे बुलाया सर? आओ आओ। क्या बात है सर? क्या बात है, तुमने हमें कविता के भाई मानिक के बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया हमसे? मानिक सर, मेरे वो ध्यान में नहीं रहा, कुछ हो गया है क्या सर? जब हम दीपक के ऑफिस में पूछताछ करने गए थे तब स्वाति ने हमें बताया कि मानिक और दीपक दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ। स्वाति ने आपसे बताया सर? हाँ, स्वाति ने बताया। किस लिए पैसे चाहिए थे मानिक को? सर भिखारी था सर, कमाई वमाई तो कुछ थी नहीं उसकी, लेकिन जब से कविता भाभी हमारे घर पर आए थे उसे लगा उसकी लॉटरी निकल गई। लेकिन जब कविता भाभी ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो दीपक भैया से पैसे मांगने लगा, और जब दीपक भैया ने भी मना कर दिया तो वो भिखारी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। मानिक से मिलना पड़ेगा।
हितेश ने जो फोन नंबर दिया था उस नंबर से इस घर का पता ढूंढ के निकाला है। सर मानिक दरवाजा नहीं खोल रहा है, शायद वो घर के अंदर नहीं होगा। पर ये भी तो हो सकता है कि हमारे डर से अंदर चुपके बैठा हूं। देखते हैं। मानिक मानिक बाहर निकलो, यहां से भागने को कोई रास्ता नहीं है। मानिक बाहर निकलो, मुझे मालूम है तुम कहां, बाहर निकलो मानिक। शरीर पे कोई घाव भी नहीं है तो फिर मरा कैसे? कुछ तो हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। विवेक घर को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। का निशान मतलब हमारे यहां आने से पहले मानिक से कोई लड़की मिलने आई थी। बिल के पेपर्स दीपक के बिल के पेपर्स मानिक के घर में क्या कर रहे हैं? ये क्या नया चक्कर है? विवेक लाश के साथ साथ इन ग्लासेस को भी फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। सर कविता और दीपक की मौत अलग अलग जहर से हुई है। हाँ वो तो मालूम है इन्हें, मगर मानिक की मौत जिस जहर से हुई है वो जहर और जो जहर कविता को दिया गया है दोनों मिलते हैं। अच्छा बहुत सुना। क्या कहा सालुंखे? मानिक की और कविता की मौत एक ही किस्म के जहर से हुई है। क्या? हाँ। कविता और मानिक दोनों को एक ही किस्म का जहर दिया गया? Exactly. तो कहीं दोनों का खून एक ही आदमी ने तो नहीं किया? और सर दोनों को दिया गया जहर एक बहुत ही खास किस्म का जहर है। खास किस्म का जहर मतलब क्या? जहर आसानी से नहीं मिलता क्या? हाँ सर, ये जहर बहुत ही खास किस्म के सांप के जहर जैसा है जो काफी कम जगहों पर पाया जाता है। सांप का जहर? जी। और सर वो होठों के निशान का क्या हुआ, उससे कुछ मिला? हाँ काजल वो चेक कर रहे हैं। ये होठों के निशान किसके डॉक्टर साहब, पता चला? यार फ्रेडी बता ना, चेक कर रहे हैं अभी भाई। Damn it. मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्या हुआ? पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सचिन
हितेश और स्वाति को ब्यूरो बुलाओ। यह दीपक का वसीयतनामा, ये पेपर जो हमें माणिक के घर से मिले। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि दीपक ने अपनी सारी जायदाद किसके नाम पर की होगी। जी, दीपक भैया ने तो सारी जायदाद कविता भाभी के नाम की थी। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि कविता के नाम पे ही की थी जायदाद? जी सर। वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा अपने सेक्रेटरी यानी स्वाति के नाम पे। सारा पैसा मेरे नाम? जी। सारा पैसा? ये कैसे हो सकता है सर? ये नहीं हो सकता सर, मैं बस वहाँ काम करती थी। मेरे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्ही ने भैया को बहला फुसला कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी है। हितेश, मुझे जो सेम, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सच है, और तुम्हारी वजह से भैया और भाभी के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि भाभी को लगता था कि तुम्हारे और भैया के बीच में अफेयर चल रहा है। ये झूठ है सर, ये सरासर झूठ है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। स्वाति जी, माणिक के घर में से हमें एक ग्लास मिला है, उस पर किसी के होठों के निशान भी है, लिपस्टिक के निशान। इसलिए हमें तुम्हारे होठों के निशान चाहिए। चलो चलो, लगाओ अपने होठ इस ग्लास के ऊपर। होठ? हाँ होठ। कम ऑन, चलो। अभी पता चल जाएगा कि वो पहले वाले होठों के निशान और ये निशान एक है कि नहीं। ये देखो बस, ये पहले वाले होठों के निशान है, ये नहीं। बस इस ग्लास पर तो स्वाति के होठों के निशान नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, अब यकीन हो गया आपको? मतलब स्वाति ने माणिक का खून नहीं किया? नहीं, लगता तो यही है। सर, इसका मतलब यह है कि इस प्लान में कोई और शामिल है। सॉरी स्वाति जी, हमने आपको तकलीफ दी, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अगर स्वाति ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? ये जो कोई भी है तो एक औरत ही। काजल, आदमी थोड़ी ना लिपस्टिक लगाएगा। सर, केस जहां से शुरू हुआ था घूम फिर के वहीं पे आ गया। ना नहीं सचिन, ऐसी बात नहीं। ग्लास पर जो होठों के निशान है उन्हें अभी मैंने छोड़ा नहीं है, काम अभी चालू है बॉस। थोड़ी देर में कस्टम में डीएनए रिपोर्ट। हाँ जी, व्हाट? ओह रियली? ओके ओके, एनीवेज थैंक यू वेरी मच, या बाय। बॉस, डीएनए रिपोर्ट। माणिक के घर से ये जो ग्लास आपको मिला है, इस पर जो ये फोटो के निशान हैं, ये हमारे डीएनए रिकॉर्ड में नहीं है। पर दूसरी चौंकाने वाली बात ये है कि ये फोटो के निशान एक औरत के नहीं है बल्कि एक आदमी के। देखा फ्रेडी सर, लिपस्टिक एक आदमी ने ही लगाई हुई थी। किसी आदमी ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके फोटो के निशान इस ग्लास पर आ गए, क्यों? क्या वो आदमी स्वाति को फंसाना चाहता था या फिर हमें गुमराह करना चाहता था? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही थी? घर पर नहीं है क्या? स्वाति, स्वाति कहाँ, अचानक कहाँ गायब हो गई है? सर, शायद खूनी यहाँ पे आया होगा। रेडी, अगर खूनी यहाँ पर आया होगा तो जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ कर गया होगा। तो ढूंढो इस घर का एक एक कोना, ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या।
पॉइजन। सर। हाँ भाई। क्या हुआ फ्रेडी? सर, जहर की बोतल मिली है, बेड के पास पड़ी हुई थी। जहर की बोतल बेड के पास? ये जहर की बोतल स्वाति के घर में कैसे? स्वाति के घर में कैसे? तो ये वो जहर तो नहीं जिससे कविता और दीपक का खून हो गया? सर मतलब स्वाति कविता और दीपक के खून में मिली हुई है? बिल्कुल काजल, ये जरूर मिली हुई है। और उसे पता था कि हम उस पर शक कर रहे हैं, इसीलिए वो यहां से भाग गई है। लेकिन कहां गई होगी? उस ग्लास पर जो लिपस्टिक के निशान मिले वो किसी आदमी के थे ना? ये जरूर स्वाति उस लिपस्टिक वाले आदमी के पास ही गई होगी। लिपस्टिक वाले आदमी के पास। लेट्स गो। कंग्रेचुलेशन, हमारा प्लान कामयाब हो गया। सीआईडी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ और तुम भी उनके हाथों से साफ बच निकले। हमने तो सीआईडी को ही उल्लू बना दिया। सीआईडी का नाम सुनकर बड़े बड़े गुनहगारों के हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। और तुम हमें उल्लू बनाने चली थी। सीआईडी? तुम्हारा बाप सीआईडी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तुमने? बहुत जाती है। हाँ चल चल यहाँ। कुछ नहीं किया तुम? हितेश के साथ मिलकर ये खून नहीं किया तुमने? बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुम दोनों ने। कौन से प्लान की बात कर रहे हैं आप? कौन से प्लान की बात कर रहे हैं आप? सर, तुम दीपक के सौतेले भाई हो ना? हाँ या ना? हाँ सर। दीपक के प्रॉपर्टी पर तुम्हारी नजर गड़ी थी और एक दिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि कविता अपने पति दीपक का खून करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने वाली है, तो तुमने इस बात का फायदा उठाना था और अपनी दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति के जरिए दीपक के कान भरना शुरू कर दिया। स्वाति की बातों में आकर दीपक एक दिन तैयार हो गया अपनी पत्नी कविता का खून करने के लिए। तो तुमने सोचा कि अगर कविता मर गई तो फिर दीपक को तुम खलास कर दोगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लोगे, है ना? हाँ सर। हाँ, और तुम्हारी बातों में आकर दीपक ने रेस्टोरेंट में कविता के सूप में जहर मिला दिया। कविता को तो सजा मिलनी ही थी, सारा पैसा लूटना चाहती थी वो। अच्छा वो मर गई। अच्छा, एक परिवार में खुशी के रहने से बजाय तुम्हारे स्वार्थ और पैसों की लालच की वजह से उस परिवार के तीन तीन लोग मर गए। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.